फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टार अकेडमी। टॉप 250 क्वेश्चंस फॉर रेलवे ग्रुप डी आरपीएफ एसएससी की थर्ड पार्ट में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ, पहले आप उन्हें देख लीजिएगा, जिससे आपको जो जीएससी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी जानकारी हो जाएगी कि किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। इन सब में वही क्वेश्चन है जो प्रीवियसली पूछे गए हैं, जो अब पूछे जा सकते हैं, एएलपी में भी जो पूछे गए थे उन्हीं को सबको लेकर सीरीज बनाई गई है। तो आप इनको देख लीजिएगा, इससे पहले भी दो वीडियो जो थी वो अभी आप देख लीजिएगा, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं 250 क्वेश्चंस के पार्ट थ्री की। टेस्को, मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? यह है दो नदियाँ और दो राज्य। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? ये आप सबको पता होगा, इसका आंसर होगा सौरमंडल। संसार की छत किसे कहते हैं? अब ये देखने के क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा पामीर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा बांगर। ये रेलवे एसएससी में पूछा गया, सॉरी रेलवे नहीं, एसएससी में पूछा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी कहाँ मिलती है? कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये साउथ रेलवे वाले जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वो देख सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है, अवस्थित, सॉरी वो स्थित है, ये है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल बत्ती किस कारण मृत हो रही है? क्योंकि ये अत्यधिक मत्स्यन के कारण, मतलब ज़्यादा मच्छी जो निकाल लेते हैं उस वजह से। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? ये आप सबको बताना चाहिए। इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, NaCl, जिससे का फॉर्मूला हो गया, जिसे अपन नमक कहते हैं, तो वो सर्वाधिक पाया जाता है सागरीय जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन सा है? यह है रॉबर्ट पियरी। ये आपके एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राज्य की सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस राज्य की है? इसका आंसर होगा गुजरात रेखा, गुजरात की। ये आपके रेलवे में भी बन सकता है, गुजरात वाले की जिन्होंने फॉर्म लगाया वहाँ से, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोन्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार ये रिपीट हुआ है एसएससी में भी, अभी एएलपी में भी पूछा गया था, इससे पहले ग्रुप डी के एग्जाम्स में भी देखा गया है, और एसएससी में तो कई बार देखा ही गया है ये। इसका आंसर होगा स्वर्ण खनन। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? यह कहलाता है नेफोस्कोप। इससे पहले आपको एक वीडियो दे चुका हूँ, उसके अंदर साइंस से रिलेटेड एक वीडियो पहले अपलोड की जा चुकी है, उसमें यह सब बताया गया कि कौन सा यंत्र किस चीज़ के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा रोम को। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसके चारों तरफ परिक्रमा करती है? इसका आंसर होगा गैलीलियो। अगर आपको ध्यान होगा, गैलीलियो को इसके लिए कैद भी कर दिया गया था, कि उन सबको पहले लगता था कि पृथ्वी पृथ्वी के चारों ओर सब घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो उसका आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी इस वजह से जैसे अभी कर्नाटक केरल में जो बाढ़ आई उसके लिए भी यही विवाद ठहरा दिया गया था कि इसी विवाद के कारण हुआ था, तो उसका आंसर होगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? इसका आंसर होगा मरियाना ट्रेंच। ये एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आते हैं? ये होगा फंडी की खाड़ी में। ये अभी जो सीपीयू का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ये एसएससी, रेलवे, सीपीयू सभी में आया हुआ, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाए। इसका आंसर होगा छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे सर का सर्वाधिक जूट उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा मैदान, ये शायद कुछ, चलो। किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहाँ के रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? ये अभी एसएससी में भी पूछा गया था, रेलवे में भी पूछा गया था, एलपी में भी पूछा गया था, मतलब अभी हो सकता है ग्रुप डी में भी पूछा गया, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो वो है अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? मतलब यह है, रेगिस्तान में बारिश क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे कम आर्द्रता के कारण। विश्व के सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? इसका
इसका आंसर होगा अरब प्रायद्वीप। यह है डोलड्रम क्या है? डोलड्रम तो शायद आपको पता ही होगा, भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का जो क्षेत्र होता है वो डोलड्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर का तटीय भाग जो है वहाँ पे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? इसका आंसर होगा फिलीपींस। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? इसका आंसर होगा जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ही कई बार पूछा जाता है, सीपीयू में भी पूछा गया था और स्टेनोग्राफर में भी था और लास्ट टाइम भी ये एसएससी में भी देखा गया था। इसका आंसर होगा 8। अब वो नवा कौन सा था, पहले 9 थे, अब 8 हो गए, नवा कौन सा था वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और उसको इसलिए निकाला था क्योंकि वो एक ही मतलब एक रूल फॉलो होते हैं, रूल्स होते हैं कुछ, वो उनको फॉलो नहीं करता था, कभी किस ग्रह की कक्षा में घुसा था कभी किस ग्रह की कक्षा में, इसलिए उसको निकाल दिया गया था। तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कौन सा था। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो होगा आयन मंडल। हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है? ये एलपी में पूछा गया था जस्ट अभी, जो 21 वाला जो एग्जाम था उसमें ये पूछा गया था, हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया, तो उसका आंसर होगा महानदी पे। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उससे फसल उगाने हेतु के उपयुक्त बनाया जाता है? उसका होगा अम्लीय। अम्लीय मिट्टी में जिप्सम डाल देते हैं तो फसल उगाने योग्य हो जाती है। कौन सा नगर भारत की सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो होगा टिटिकाका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार पूछा है, सीपीओ में भी था और स्टेनोग्राफर में तो जनरली आते हैं ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो हो सकता है उनमें आप फिर से पूछा जाए, लेबर असिस्टेंट में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान स्थान कहाँ विद्यमान है? इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिणी गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? जनरली में मौसम में चेंजेस होते हैं वो किस कारण होते हैं? होते हैं सौरमंडल में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? वह कोटोपेक्सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में नहीं पूछा जा सकता पर एसएससी में ये हमेशा पूछा जाता है जनरली। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? इसका आंसर होगा स्वेज नहर। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका आंसर होगा अरावली, और यही सबसे बड़ी भी है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पुरानी और बड़ी है अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? अभी अपने हरित क्रांति पढ़ चुके हैं, एक मैं आपसे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ खोज एंड इन्वेस्टन एंड डिस्कवरी के नाम से, तो आप उसमें देख लीजिएगा, इसमें ये सब बता रखा है कि कौन सी किसने किसकी खोज करी थी, मतलब टीवी का आविष्कार किसने करा था, रेलवे मतलब गन वगैरह का आविष्कार किसने करा था, वो क्रांति से भी रिलेटेड उसमें कुछ क्वेश्चन है, तो उसमें देख लीजिएगा एक बार, आपको डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा आलू उत्पादन से। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो वह इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसको रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? अब रूस के मैनचेस्टर से पहले आप इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है यह बताइएगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके। इससे पहले वाली जो वीडियो थी टॉप 250 की सेकेंड पार्ट में, मैं उसमें बता चुका हूँ इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आप वहाँ से देख के जरूर बताइएगा इसे। इसका आंसर होगा इवानेवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? इसका आंसर होगा विषुवत रेखा पर। ये एसएससी में पूछे जाते हैं, रेलवे में नहीं पूछा जाएगा पर एसएससी में गारंटेड बात है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील बहुत फेमस है, तो ये कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में। ये एलवी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध किस नदी पर स्थित है? ये कुछ इंपॉर्टेंट बांध है जो कि जिनके बारे में जनरली पूछा जाता है, जैसे कि भाखड़ा नागल बांध कहाँ स्थित है, कोयना बांध कहाँ स्थित है, और सतलज नदी पे कौन सी परियोजना बन रही है, तो इस टाइप से कुछ इंपॉर्टेंट कुछ कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनके बारे में पूछा जाता है रेलवे में, तो उन्हीं में से ये एक, कोयना बांध किस नदी पर स्थित है? तो वह महाराष्ट्र में, मतलब किस नदी पर नहीं, शायद ये गलत हो गया, किस राज्य में? महाराष्ट्र में। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित, ये आई गया क्वेश्चन में पूछ रहा था जो, यह सतलज नदी पर। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य एंड पृथ्वी जो होती है सूर्य एंड चंद्रमा के बीच में, तब चंद्र ग्रहण होता है। ये लेबर सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उसी में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साबरमती नदी किस नहर शहर के किनारे बहती है? इसका आंसर होगा अहमदाबाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका आंसर होगा सुपीरियर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन है? ये इसका मैं पहले ही आपको इन्वेंशन डिस्कवरी में बता चुका हूँ इसका आंसर, तो अगर आपको और भी इनके बारे में जानना है तो आप इन्वेंशन डिस्कवरी वाली वीडियो साइंस जीके वाले प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। इसका आंसर होगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे पूर्व का मोती के रूप में नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा श्रीलंका। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कौन कहाँ पे स्थित है? तो है कर्नाटक में। अभी कर्नाटक से साउथ से कुछ भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे जो ट्रेजडी हुई है इस वजह से जो भी साउथ से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब आपको ध्यान रखने हैं। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? इसका आंसर होगा एंजेल। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? अभी पहले अपन ने गोल क्रांति देखी, अभी गुलाबी क्रांति है। गुलाबी क्रांति है झींगा उत्पादन से, ऐसे आपको सफेद ध्यान रखनी है ये वाली। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश में। घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कुछ इम्पोर्टेंट मैंने जैसे बताया था, कुछ इम्पोर्टेंट जो अभयारण्य वगैरह हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है, यह है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? यह है देहरादून में। इसका आप ध्यान रखना, क्योंकि SSC में पूछा गया था, SSC में AL और LFP में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार वाले में, तो हो सकता है इस बार अब आपसे पूछ सकते हैं ग्रुप डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ये भी इम्पोर्टेंट बांध है, यह है कृष्णा नदी पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य है? साइलेंट वैली प्रोजेक्ट ये आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा, ये है केरल। अभी अभी जो वो ट्रेजडी हुई है तो साइलेंट वैली आपको प्रोजेक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केरल कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? अभी इसका आंसर होगा 8। जल्दी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको इसमें कुछ ट्रिक्स बताई जाएगी, तो उनका ध्यान रखिएगा। पहले आप अभी ये ध्यान रख ले सिर्फ कि कर्क राज्य कितने राज्यों से गुजरती है, वो है 8। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह है वूलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? यह भूकंप की तीव्रता रिकॉर्ड करता है। यह क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि भूकंप की तीव्रता किससे रिकॉर्ड की जाती है, वो है सिस्मोग्राफ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि 250 की सीरीज में तीसरे नंबर की वीडियो में डाले गए। अब जो नेक्स्ट वीडियो 250 की जो फोर्थ वीडियो आएगी उसमें मैं कुछ करंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए, जिससे आपका करंट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें 25 तो साइंस आएंगे और 25 करंट जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे 45 में से 20 क्वेश्चन आपके करंट से आएंगे, तो उसमें जो आप उसका भी ध्यान रखिएगा। इसलिए आप इस वीडियो को इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अधिक जानकारी उसके हमारे नए नए अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी नई से नई आने वाली वीडियो का जल्दी से आपको लिंक मिल जाए और आप उसे देख पाएँ। धन्यवाद।